अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी इंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं हूं आपको दोस्त, आपको होस्ट भट्टी भाई। मेरे साथ बैठे हैं जे जे भाई डॉन 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 डॉन, और उनके साथ बैठे हैं हाफिज भाई। अस्सलाम। अब आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो के इंतजार में होंगे कि जल्द अज जल्द हमारी कोई ना कोई वीडियो आए जी। तो जी जे भाई, आज हम कौन सी वीडियो लाए हैं हमारे व्यूवर्स के लिए भाई? आज हम वीडियो लेके आए ना, जो वो है डिस्काउंट कैश, कैश डिस्काउंट के हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कहते हैं जी डिस्काउंट मिलता है, पर मिलता नहीं भाई। मैं आपको बताता हूं, ये हिंदुस्तान में गाड़ियों पे डिस्काउंट आया है, उनका भी डिस्काउंटेड गाड़ियां। मैं ये सोच रहा हूँ, 18% नहीं, ये तो बाद में वीडियो देखेंगे पता चलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि पहले कौन थी इतनी महंगी गाड़ियां इंडिया में जो अभी डिस्काउंट में। इसका मतलब है कि जेजे भाई ये वीडियो ना देखें। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में डिस्काउंट मिलता है। तो कहने का मकसद ये है, ऑफिस पे कह रहे हैं गाड़ी पहले ही वहां 50-60-70 हज़ार रुपए की है, तो और क्या डिस्काउंट लेना है। 7500 की रह जाएगी। मैं ये कह रहा हूं उनकी हर चीज में डिस्काउंट है यार। ओह यस, अमेजिंग। आपके प्यार में भी डिस्काउंट है। हाँ तो वीडियो देखने से भाई आज आपको थोड़े से फॉर्म में लग रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें। मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ क्योंकि स्कूल खुल गए हैं ना। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वक्त आपके वहाँ कोरोना क्या सिचुएशन चल रही है, क्या पैनडेमिक की क्या सूरत हाल है, हमें आगाह कीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में जी। चलो वीडियो देखिए। तो से कई सारी कमेंट्स आ रही हैं कि सर एक डिस्काउंट के ऊपर वीडियो बना दो, हमें पता ही नहीं चल रहा है किस गाड़ी के ऊपर कितना डिस्काउंट है, हमें ये गाड़ी खरीदनी है उस पर कितना डिस्काउंट है, फलाना फलाना डिस्काउंट डिस्काउंट चारों तरफ से, हर किसी को डिस्काउंट के बारे में जानना है, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको 18 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है और कम से कम 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और कम डिस्काउंट से ज्यादा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटसन की गो प्लस के बारे में। इस गाड़ी के ऊपर 49,500 मतलब कि 49,500 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें से 22,500 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है और 7,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो भी डिस्काउंट ऑफर मैं आपको बता रहा हूं वो जगह जगह के हिसाब से बदल जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर यही सेम डिस्काउंट ऑफर चल रहा हो या हो सकता है कुछ और चल रहा हो, इसलिए एग्जैक्ट जानकारी के लिए आप अपने सबसे पास वाले डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्काउंट मिल रहा है डेटसन गो के ऊपर, इसके ऊपर आपको 54,500 रुपए 54,500 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से 27,500 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है और 7,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस है। इसके बाद है इनोवा क्रिस्टा, इसके ऊपर इस समय 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है और 20,000 रुपए का ही कॉर्पोरेट बोनस भी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर आप कोई पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपकी पुरानी गाड़ी की जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें उस बोनस को, एक्सचेंज बोनस को जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कंपनी वाले पहले ही आपकी गाड़ी की वैल्यू थोड़ी कम बताते हैं ताकि वो एक्सचेंज बोनस थोड़ा एडजस्ट हो सके। दूसरा कॉर्पोरेट बोनस, जैसा कि नाम से समझ में आता है ये कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, हर किसी कंपनी ने अपनी अपनी डेफिनेशन बना रखी है इस बोनस की। आप अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको ये बोनस मिल सकता है, कुछ जगह पर कम तो कुछ जगह पर ज्यादा मिल जाता है। कुल मिलाकर कैश डिस्काउंट ही असली ऑफर होता है, उसके अलावा बाकी सब मन का धोखा है। अगली गाड़ी है XUV500 जिसके ऊपर 56,760 रुपए तक का 56,760 रुपीज तक का डिस्काउंट चल रहा है। इस गाड़ी का अगर आप W5 या फिर W7 वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 50,840 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिनमें से लगभग 7,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 9,000 रुपए का कॉर्पोरेट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए की एक्सेसरीज मिल जाती है। और अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स W9 या फिर W11 खरीदते हैं तो आपको 56,760 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिनमें से 12,760 रुपए कैश डिस्काउंट है, 9,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंट, 30,000 एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए की एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज से याद आया कि अगर आप अपनी गाड़ी के लिए बेहतरीन एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सब की लिंक्स दी हुई है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि वीडियोस बनाने में मैं कौन से गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं तो उनकी डिटेल्स भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।
आगे बढ़ते हैं तो पांच गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ऊपर 60,000 रुपए 60,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इनमें से पहली गाड़ी है टोयोटा यारिस, जिसके ऊपर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस कहूं या फिर लॉयल्टी बोनस, वो भी 20,000 रुपए का है, और कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी 20,000 रुपए का मिल रहा है। इसी में दूसरी गाड़ी है स्कॉर्पियो, जिसका S5 वेरिएंट के ऊपर आपको 60,000 रुपए का डिस्काउंट है, जबकि S7, S9 या फिर S11 के ऊपर आपको सिर्फ 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलता है, बाकी डिस्काउंट्स नहीं मिल पाते। तीसरी गाड़ी है पुरानी वाली ग्रैंड आई10। ध्यान रहे, मैं ग्रैंड आई10 नेओस के बारे में बात नहीं कर रहा, पुरानी वाली आई10 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर 60,000 रुपए का डिस्काउंट है, जिसमें से 40,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 15,000 का एक्सचेंज बोनस और 5,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट। नेओस के बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूँ, इसके ऊपर लगभग 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। चौथी गाड़ी है हुंडई की एलीट i20। इसकी नेक्स्ट जनरेशन जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, लेकिन उसके पहले इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इसका मैग्ना प्लस वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बाकी वेरिएंट्स खरीदते हैं तो आपको 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें से 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। पांचवी गाड़ी है हुंडई एलेंट्रा। अगर आप इसका पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें से 30,000 रुपए एक्सचेंज बोनस है और 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है। और अगर आप इसका डीजल इंजन खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलता है, कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगली गाड़ी है KUV1WNXT। इस गाड़ी के ऊपर 62,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 62,000 रुपीज तक का। अगर आप इसका K2+ वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 40,770 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें से 12,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है। अगर आप K4+ वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 47,220 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें से 18,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है। और अगर K6+ या फिर K8+ वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 62,055 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें से 33,000 रुपए 33,000 रुपीज तक का कैश डिस्काउंट है। अगली गाड़ी है पुरानी वाली होंडा सिटी, नई वाली नहीं, पुरानी वाली होंडा सिटी के SV वेरिएंट पर 60,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है और V मैनुअल ट्रांसमिशन पर 66,000 रुपए 66,000 रुपीज तक का कैश डिस्काउंट है। अगली गाड़ी है रेनो की डस्टर, जिसके ऊपर 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इसका 1.5 लीटर इंजन खरीदते हैं तो आपको 22,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिलता है। लोन लेते हैं तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पर 6.99% पर मिल जाता है। इसके अलावा बाय नाउ पे इन 2021 का ऑफर इस पे चल रहा है, मतलब कि आने वाली 4 EMI आपको अभी नहीं देनी है, उसके बाद से आपको EMI देना शुरू करना है। और अगर आप इसका नया वाला 1.3 लीटर टर्बो चार्ज इंजन खरीदते हैं तो आपको 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस मिलता है, 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक का केयर पैकेज मिलता है और 22,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाता है। और अगली गाड़ी है टाटा हैरियर। इस गाड़ी के ऊपर 80,000 रुपए 80,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है, 40,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या फिर कहूं लॉयल्टी बोनस है और 15,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप हैरियर का डार्क एडिशन लेने वाले हैं तो आपको 55,000 रुपए तक का ही डिस्काउंट मिल पाता है, जिसमें से कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है। फॉक्सवैगन वेंटो के ऊपर 1,60,000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अगर आप इसका कंफर्ट लाइन वेरिएंट खरीदते हैं। और अगर आप हाईलाइन प्लस वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 1,09,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है, और ये डिस्काउंट ऑफर्स कैश डिस्काउंट है। इसके अलावा बाकी बचे वेरिएंट्स के ऊपर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं। कुछ कुछ जगहों पर इन सारे डिस्काउंट्स के अलावा 15,000 का लॉयल्टी बोनस भी चल रहा है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, हो सकता है आपकी जगह पर हो सकता है नहीं भी हो। जीप कंपस के ऊपर भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 1,80,000 रुपए तक का, अगर आप इसका लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट खरीदते हैं तो। किया कार्निवल के ऊपर भी इस समय 2,10,000 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें से आपको 3 साल तक का मेंटेनेंस पैकेज मिलता है, जिसकी कॉस्ट है 48,000 रुपए 80,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। प्रेस्टीज और प्रीमियम एडिशन वेरिएंट्स में आपको रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन इस ऑफर में मिल जाती है, जो करीब करीब 36,500 रुपए की आती है। कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाता है 46,000 रुपए का, और कई सारे इजी ईएमआई प्लान्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से सब कुछ मिलाकर 2,10,000 रुपए तक का डिस्काउंट इस पर मिल रहा है। होंडा सिविक के ऊपर आपको 2,50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इसका पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो 1,00,000 रुपए तक का डिस्काउंट है, और अगर डीजल इंजन खरीदते हैं तो 2,50,000 रुपए तक का डिस्काउंट है, और ये दोनों ही डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है पूरे के पूरे। तो ये होता है भाई असली ऑफर। और अब बात कर लेते हैं उस गाड़ी के बारे में जिस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है सितंबर के महीने में, तो वो है महिंद्रा की अल्टुरा G4। जब से आई है तब से डिमांड में है ही नहीं, यही वजह है कि इसके ऊपर इतना भारी भड़कम
3,05,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से 2,40,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट है, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस है और 15,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है, जो हर जगह पर नहीं कुछ कुछ जगह पर ही मिल रहा है। तो भाई ये थी वो गाड़ियां जिनके ऊपर भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है सितंबर के महीने में। अगर आप मारुति की ही गाड़ी लेना चाहते हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मारुति की गाड़ी के ऊपर कितना डिस्काउंट चल रहा है। अरे बबलू जी, तो व्यूअर्स ये थी वीडियो जो आप सारे लोगों को शायद मालूम ना हो कि क्या चल रहा है भाई, मार्केट किस चीज की है और किस चीज की नहीं है और कौन सा डिस्काउंट आपने मिस कर दिया। और इसमें आपके लिए बहुत फायदे की चीज, अगर किसी भाई ने कार लेनी है तो उसमें आपको ये आइडिया होगा कि किस कार पे ज्यादा डिस्काउंट है। और इन्होंने डिस्काउंट भी उन कारों पे दी होगी जो मार्केट में कम सेल होती होगी ना, तो फिर भी बड़ी अच्छी तो बात है यार, वो 3,00,000 डिस्काउंट। तो ये देखें ऑफिस भाई, ऐसा ऐसी चीजें हैं कि हम तीनों को कोई एक चीज पसंद नहीं है, आपको और पसंद है, जीजे भाई को और पसंद है, मुझे और पसंद है, हो सकता है मेरी वाली चीज पे डिस्काउंट हो भाई, पैदा तेनु ही होना है ना भाई। बात दरअसल ये है, उन्होंने जितनी भी गाड़ियां दिखाई ना वो सबको पसंद होगी, क्योंकि इतना डिस्काउंट यार पाकिस्तानी 7,00,000 रुपए बनता है। जीजे भाई आपको पता है उनके पास टोटल आइटम्स कितनी है, अभी उन्होंने काफी सारी आइटम्स का नाम भी नहीं लिया, इसमें फोर्स महिंद्रा भाई जिन गाड़ियों पे डिस्काउंट था कि 18 गाड़ियां ऐसे जिन पे 3,00,000 तक 50,000 से लेके 3,00,000 तक डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। तो उसमें महिंद्रा की और उसमें जो है ना चॉइसेस लोग बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में भाई, कार्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कार जी। लेकिन जिन पे डिस्काउंट चल रहा है वो जो हमने आपने पूछा था ना कि टोयोटा यारिस जो आई है उस पे पाकिस्तान में अब लॉन्च हुई है, इंडिया में कब, उनका हमारे तो कब की लॉन्च हुई है पर यहाँ पे फ्लॉप ही है। और आप देखो वहाँ पे फ्लॉप ही है, तो इसलिए उस पे स्विक जो है सबसे होंडा स्विक जो है वो फ्लॉप है। फ्लॉप कहने का मकसद क्यों है, उस पे 2,00,000 रुपए वो दे रहे हैं कैश डिस्काउंट, बाकी जितनी भी गाड़ियां दिखाई उन पे सब पे कैश नहीं है, उनपे किसी पे कैश 15,000 है, किसी पे 10,000 है, किसी पे 25,000 है, बाकी उनकी पॉलिसी के हिसाब से है एक्सचेंज। और जो होंडा की स्विक गाड़ी है उस पे 1,00,000-2,00,000 कैश डिस्काउंट, यानी कि समझ ले अगर 30,00,000 की है वो 2,00,000 आपको माइनस होगा। 30,00,000 की तो इधर थी भाई, 50,00,000 तक चली गई है। तो मजे की बार ये देख लें कि जहाँ पे वो पुरानी गाड़ी बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे नई गाड़ी है यार। नहीं अच्छा यार? इसमें एक और चीज है कि अगर किसी ने 3,00,000 रुपए डिस्काउंट होंडा में गाड़ी लेनी है, देखें होंडा स्विक लेनी है, तो जो एक्सचेंज पॉसिबल होगा वो होंडा की गाड़ी में ही होगा या कोई भी गाड़ी देके वो ले सकता है होंडा से भाई। वो तो शोरूम वालों ने परचेज करनी है ना, वो आपसे सेकंड हैंड के तौर पे परचेज करेंगे कोई भी कार हो ना। अब देखो होंडा का शोरूम है तो होंडा परचेज करें भाई, वो पैसे उन्होंने एडजस्ट कर देने उधर जी। वो इस तरह नहीं है ना जैसे इधर लिखा होता है पुरानी मशीन ले आओ और नई मशीन ले जाओ। तो आपने जो भी गाड़ी लेनी है ना डिस्काउंट अच्छी तरह देख लें कि किस गाड़ी पे कितनी डिस्काउंट है। वो मे भी ये भी हो सकता है कि आप जब लेने जाए तो शायद इससे कुछ ज्यादा ही आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि जीजे भाई चले जाए गाड़ी लेने। नहीं नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आपने मे भी हो सकता है। ये मेरी बात सुने, ये वीडियो तो अभी नहीं है इसी में मंथ की है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उनको कोई और थोड़ी सी और लेस मिल जाए और डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है ना। बात में ज्यादा है ना, अब लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं 7 सीरीज होंडा सिटी जो है पाकिस्तान में लॉन्च करने के बारे में अभी सोच रहे हैं कि सिटी की 7 जनरेशन लॉन्च करें। अब वो कह रहे हैं जी 7 जनरेशन भी वहाँ कचरा हो चुकी है, अब वो नई जनरेशन लाने वाले हैं सिटी की, तो हमारे पास जो फिर 2010 मॉडल है सिटी सही बात है यार। वो जेजे भाई ने अब सेल करके इधर जो डिस्काउंटेड ऑफर है ना उनमें से ले लेनी है कोई। अगर अगर ऐसा हो तो मैं लाजमी ले सकता हूँ, मगर आपने हमें ये बताना है कि आपने कितनी। तो हाफिज भाई मैंने तो आजकल ये सुना है कि जो हमारे बाइक चल रही है ना बाइक 70cc बाइक जो है होंडा की जो बाइक है अब उसकी भी बुकिंग पहले करवानी पड़ती है जी भाई। नो वे, आपने जो भी गाड़ी लेनी है चाहे वो महिंद्रा की हो चाहे टाटा की हो चाहे सिटी की हो चाहे
किसी किस्म की भी गाड़ी हो, किसी कंपनी की हो, आपने डिस्काउंट देखनी है कि आपको कितनी डिस्काउंट मिल रही है। आपने बस डिस्काउंट देख के कार ले लेनी है। नहीं, जेन्युइन डीलर के पास जा रहा है। अगर आपको गाड़ी पसंद है बाद में चाहे आपको 20,000 की सेल करनी पड़े, आपने ले लेनी है, डिस्काउंट देखनी है। जैसे जेजे भाई कह रहे हैं, आपने सिर्फ भाई अब टाटा की उन्होंने दिखाई है गाड़ी एक्स, वो क्या है XLTSTU जो टाटा की दिखाई XUV और यार एंड पे जो दिखाई है गाड़ी वो तो महिंद्रा की है ना। एंड पे जो दिखाई है गाड़ी जो उसका नाम मुझे नहीं याद है, एक ही दिखाई है टाटा की है ना, जिसपे 3,00,000 की डिस्काउंट है, वो तो महिंद्रा की है भाई। मैं ये जो लास्ट पे दिखाई है जिसपे 3,00,000 डिस्काउंट है ना, वो महिंद्रा की, वो कह रहा है। अच्छा वो हल्की गाड़ी भाई, मेरी बात वो बता रहा है की जब से महिंद्रा ने लॉन्च की है ना, उनके इतने यूनिट इसके सेल नहीं हुए, तो उन्होंने इसलिए इसका लगती है जो स्टॉक सेल नहीं हो रहा था पाकिस्तान में। तो एक ये भी मसला है ना, तो वो हल्की गाड़ी है कह रहा है, गाड़ी जिस तरह हल्की तो नहीं है जैसे भाई, मार्केट जिस चीज की मार्केट नहीं ना होती, जिसकी जिस चीज की मार्केट नहीं ना होती, वो भले ज्यादा अच्छी चीज हो लेकिन जिन्होंने लेनी है ना अपने, उन्होंने मार्केट हो या ना हो ले लेनी भाई। बाद में बिकेगी तो उतने की ना, कचरा तो हो जाएगा 15 साल बाद है। ओ भाई 15 साल लिमिट भी, आजकल 15 दिन लोग इंतजार नहीं करते, वो कहते मुझे पसंद नहीं है, सुबह ली शाम को भेजे। कितने मोबाइल रोज लेते हैं लोग, रोज ही सेल कर। चलो जी, आपने जो भी गाड़ी लेनी है सोच समझ के मशवरा करके, ठीक है ना, दिखा के दोस्तों को, फ्रेंड्स आप अपने कार कंसल्टेंट के पास जाएं, फिर आप डिसाइड करना है करें नहीं, डिसाइड करना है। आपने एक मिनट मेरी बात, जेजे भाई कॉन्टेक्ट करें, आपने कार कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। कंसल्टेंट आपके सामने बैठे हैं बहुत बड़े कंसल्टेंट जी, आपने सिर्फ डिस्काउंट देखनी है और कार ले लेनी है, मशवरा भी ले लेना भाइयों से दोस्तों। अच्छा, से और कार में आपने पेरेंट्स से डिस्काउंट, इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं देखना कि उसमें इंजन ही ना हो, तो इंजन ही निकाल ले। और एक और बात आपने कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपने जेजे भाई के मशवरे पर अमल करना है कि नहीं करना जी, जो इन्होंने आपको एडवाइस दी है कि जिस आपने सिर्फ डिस्काउंट देखना और कार ले लेनी। अच्छा, एक और हमारे जो है दोस्त, उन्होंने हमें क्वेश्चन किया था कि जेजे भाई इतने डार्क कलर्स क्यों यूज करते हैं, जैसे बेबी पिंक, रेड, ब्लू, तो उसका जवाब जेजे भाई आपको देंगे। जेजे भाई को जो है ना डार्क कलर्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ भाई जी, जो जेजे भाई को गिफ्ट मिलते हैं क्योंकि तल्लकात बहुत है ना भाई के। अच्छा मैं आपको बता दूं, जेजे भाई को कार्स बहुत पसंद है और इतने डार्क कलर्स जो है वो कार्स में होते हैं। जो जेजे भाई को कार पसंद आती है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने जवाब तो दे दें भाई।